जिंदगी दे विच जेकर कुछ करन दा जज्बा होवे तां उमरां मायने नहीं रखदियां। अज तुहानूं 66 साल दे एक अथलीट दे नाल मिलाउने आ। बलविंदर सिंह इन्हां दा नाम है। पिछले 50 साल तों खेडां दे नाल जुड़े होए ने। ये खेडां वाले पासे किवें इह सबब बणिया फिर सारा, नौकरी क्यों छड्डनी पई तुहानूं? जे असीं गेम लाइन दे विच मेहनत असीं करदे आ, टॉप सीनियर प्लेयर आ के छुट्टी तों आ के फाइनल खेड जांदा, असीं बेंच दी वेटिंग दे विच रहि जांदे आ। महाराज की बख्शिश है नहीं तो अच्छा 5-7-10 बीमारियां एवं जी हर एक इंसान आ जोड़ा कि आप महाराज की बख्शिश है। कुछ भी नहीं है, दंद दौड़ तक भी सिर नहीं दुखता, कुछ नहीं, बुखार नहीं, सब कुछ फिट है जी। फिटनेस का राज दौड़ ही है, बस ही दौड़ है। पेंडू खेड मेले हो गए, एक्सरसाइज तो डेली हैगी हैगी, ये वाद घट सकती है। मैं ये नहीं कहता कि हाँ ठंड के भी उ वादी है तो अपने घर के भी सानू कहन लग पेंदे ने कि हुण एक्टिविटी घट कर दो, जांडी गुआंडी भी कहन लग पेंदे ने कि सट्ट फेट ना लग जाए। तो तुहाडे ना हुंदा कदे कोई दिंदा इहो जी सलाह? हुंदा जी सलाह, पर असीं इस गल नूं मानदे नहीं। असीं मानदे नहीं, घरदिआं नूं वी कहिंदे, कहिंदे तुसीं किसे दा सुणदे नहीं। मैं कहा इस विशे ते नहीं सुणना। अगर साढ़े वर्गे बजुर्गों नूं संभालण गौरमेंट या चेयरपर्सन संभालण, जरूरी आ कि वह चीज़ा अगे बदलगियां। पहला फौज के विच नौकरी की इन्होंने, पर नौकरी छड के इन्होंने खेडां दे वल ज़्यादा रुझान दिखाया। अज भी 66 साल की उम्र के नौजवानों वांगू ये दिखते हैं, नौजवानों वांगू भजदे दौड़दे हैगे ने, तां पूरे इस समय जिहड़े ने फिट हैगे ने। तां बलविंदर सिंह साडे नाल मौजूद हैगे ने, गलबात करदे आ। बलविंदर जी स्वागत जगबाणी ते। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह सर जी। अच्छा, खेडां वाले पासे किवें रुझान शुरू होया सीगा? लंबा समा हो गया तुहानूं, शुरू तो बचपन तो शौक सीगा खेडां दा? हाँ जी सर जी, आपां स्कूल टाइम तो ही तीसरी क्लास में पढ़ता सी, जदों खेडां वाले अपना रुझान बनिया। अच्छा, हाँ जी सर जी। अच्छा, फिर तीजी जमात तो यह सफ़र शुरू किया, कितने तक पहुँच गया फिर ये सफ़र? ये सफ़र जी देख लो जी, हुण बिच बहुत किस्म दियां चेंज आई है। अठवीं क्रॉस करके आपां मिडल क्रॉस करके आपां मिलटरी विच बॉयज़ कंपनी भर्ती होए। अच्छा। अपना शौक सीगा कि आपां देश की सेवा करनी आ, ते इत्थे तीसरी अठवीं क्रॉस के समय स्पोर्ट्स कॉलेज जाने का सुपना सीगा कि स्पोर्ट्स कॉलेज जाइए, टॉपर गेम दे विच बनीए, और उधर चांस बन गया कि आप मिलटरी चले गए सर जी। हाँ जी सर जी। अच्छा, फिर मिलटरी कितना समा लाया तुसी? मिलटरी जी आप 1973 च भर्ती, 1980 आप घर वापस आ गए। लगभग 7 साल की तुसी नौकरी? हाँ जी सर जी। अच्छा, वो फिर फौज छड के खेडां वाले पासे किवें इह सबब बणिया फिर सारा, नौकरी क्यों छड्डनी पई तुहानूं? नौकरी दा जी बस 2-3 क धक्के होए, जिहड़ा आपां शहन नहीं कीते। अपने ऑफिसर कमांडिंग सीगे, उन्हां नूं बेनती कीती कि साडी जी अगर प्रमोशन नहीं हुंदी जां असीं गेम लाइन दे विच मेहनत असीं करदे आ, टॉप सीनियर प्लेयर आ के छुट्टी तों आ के फाइनल खेड जांदा, असीं बेंच दी वेटिंग दे विच रहि जांदे आ, इहदा कोई रीज़न बनता नहीं है। अज जां तां सानूं सिलैक्ट ना करो, सिलैक्ट करदे आ जिहड़ा साडा बणदा मौका आ, जिहड़ा साडा बणदा हक आ। आपां विंगर खेलदे सीगे, लैफ्ट विंगर सीगे, हॉकी च भी फुटबॉल च भी। अच्छा। उत्थे हॉकी फुटबॉल खेडी आ, अथलैटिक भी कीती आ, पर उन्होंने सानू इहदा बड़ा ध्यान नहीं दिता, तो इस करके आपां रिजाइन करन दा बैटर समझिया कि आपां इन्नों बेहतर है। 20 साल दी 22 साल दी उम्र सी, चढ़दी उम्र बिल्कुल अग वर्गी, अग वर्गी जवानी 20 साल दे विच। मैं कहा आपां फिर ब्याह भी आ के बाद च कराया, पहला उधरों सारा नबेड़ के मैं हुण ब्याह करावांगे घर जा के। तो कोई रीजन है नहीं सी, आपां नूं कोई प्रॉब्लम है नहीं सी, घर काम चलते सी। अच्छा। आपां मिस्त्री बिरादरी चों, ट्रालियां टूलियां बनदियां सी, घर दे विच ही काम सी, ते घर विच ही कारखाना सीगा, ते इस करके आपां ने घर दे पहलां कहिंदे सी, कहिंदे काका असीं तैनूं कहिड़ा पहलां कहा जा। अच्छा। तू आ गया, मर्जी ना गया, मर्जी ना आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलकम है। फौज दे विच खेड कोटे च गए सीगे तुसी कि जां वैसे जनरल भर्ती होए सीगे? जनरल भर्ती होए सीगे जी, उत्थे जाके आर्मी एजुकेशन भी कीती आ। अच्छा। ते अज आर्मी केच नूं अपनी जूनियर कमीशन ऑफिसर दे लैवल दी अपनी आर्मी एजुकेशन सीगी, जिहदे विच आपां जिद्दां सब इंस्पैक्टर कह लईए उस लाइन दे, आपां उस लैवल दे एजुकेशन कीती सी, पर सानूं स्टैप नहीं सी बणदा। जे लाइन स्नैक तों शुरू हुंदे तां आपां सूबेदार मेजर तक जांदे। मेरे नाल दे सूबेदार मेजर आए आ, आर्नरी कैप्टन बन के आए आ,
वह इस टाइम इंग्लैंड सैटल है तो अदरवाइज आप ना आते ना आने का मतलब ही नहीं सगा धक्के होए तो आप नहीं चले इस करके अपन आर्मी सर्विस रिजाइन करनी पै गई। अच्छा रिजाइन करने तो बाद फिर किवें अगे तुसी तोरी फिर जिंदगी अगे खेडां वाले पासे अगे जी फिर अपनी मैरिड लाइफ तो बाद आपने घर दे विच कम्मे सीगा जे घरदियां ने कहना भी आ काका तू जाना आ बेशक जा मेलियां ते पेंडू खेड टूरनामेंट वाले जा जाना कबड्डी खेली कबड्डी वधिया टॉपर खेडी अपनी एरिए दे विच वधिया रहे अज भी दुनिया याद करदी आ तो इस करके असी घर का काम कार नबेड़ के नजिठ के जाने फ्री हो के फिर अपने माँ प्यो तो आग्या लैके फिर असी जाने खेड मेलों पर भी आते जेडे साथी प्लेयर से उन्हें कहना चल प्यारा ना अपना बिल्ला सादे से कहते बिल्ला चल भी आप काम कार घरेलू नबेड़ के आप फिर मेले से चलते हैं इस तरह फिर उतों आ के फिर भी जाते रहे। अच्छा लंबा समा हो गया तो बलविंदर जी खेडों के नाल जुड़े हुए तो हूँ तक अचीवमेंट उपलब्धियां की रही थोड़िया सर जी स्टेट मैडलिस्ट होए आप नैशनल मैडलिस्ट होए हाँ ये महाराज की बहुत वड्डी बख्शिश है जिहड़ा कि वड्याई वड्याई प्रभु दे हत्थ है जी हर कोई जितन जाता मैदान दे विच पर जित तां जिहड़ी वड्याई आ वो मालक ने जिस इंसान नूं बख्शनी आ जिन्नी कि बख्शनी आ जिथे बख्शनी आ ये उहदे उहदी राज है जी उहदी मौज है ते आपां बड़े आनंद च जिंदगी जी रहे अज दी ते कोई प्रॉब्लम नहीं महाराज की बख्शिश है नहीं तो अजकल पांच सात दस बीमारियां एवं जी हर एक इंसान आ जिहड़ा कि आपां नूं महाराज की बख्शिश है कुछ भी नहीं है दंद दाड़ तक भी सिर नहीं दुखदा कुछ नहीं बुखार नहीं सब कुछ फिट है जी फिटनेस दा राज ये दौड़ी है बस ही दौड़ है ये भी एक तुहानूं थोड़ा जिहा एग्जाम्पल देवांगे कि जिहड़ा दौड़ यही चीज़ आ ये कई बीमारियां दूर करती है एक सज्जन नूं साडे नूं 21 किलोमीटर रन सी गुरद्वारा बीर साहब के नाल माछी जो आई नैट से देख सकते हैं तो एक बजुर्ग आए 55+ 135 किलो वजन हॉस्पिटल वालों जवाब मिल गया कोई इलाज नहीं उन्हें जी फिर उदास हो गया भी जो हॉस्पिटल जवाब मिल गया जिस इंसान को वह की सोचू बड़ी दुविधा च फस जाता मुश्किल हो जाती है तो पर वह इंसान ने कुछ सज्जन साडे वर्गा उन्होंने मिलया कहिंदे फ्रेंडशिप होगी कहिंदा भाई फलाना की गल हो गई मजूस जिहा होया कहिंदा यार की दसीए हॉस्पिटल वाले जवाब देता कहिंदा फेक भी यार छड्ड परे घबराउणा काहदे आ कहिंदा दौड़ शुरू कर। अच्छा उन्हें दौड़ शुरू की जी दौड़ शुरू की जो उत्थे आए पहले 135 किलो वजन सी जब उत्थे रन लाई पहली 21 किलोमीटर रन पूरी की उस इंसान ने जिन्होंने जवाब मिला हॉस्पिटल चो 21 किलोमीटर रन शुरू की और कंप्लीट की। अच्छा कंप्लीट की 21 किलोमीटर और वजन 85 किलो। अच्छा 15 ते 50 किलो वजन यानी लैस होया और फिट बिल्कुल फिट यही जी धरती माँ की गोद यह जी संभाल लेंदी बंदे नूं सैट कर देंदी प्यार देंदी आ कि बंदा ग्राउंड नाल जिहड़ा जुड़िया वह बिल्कुल एक्टिव आ। असीं तां हर इंसान नूं बेनती करदे आ चाहे कोई न्याणा कोई सियाणा आपां ग्राउंड नाल जुड़ीए अगर ग्राउंड ना जुड़े हो तो आपां नूं किसी चीज़ की लोड़ नहीं डॉक्टर की हाजिरी नहीं लाउणी पैंदी। अच्छा तुहाडा शेड्यूल की रहिंदा फिर डेली बिल्कुल फिट तुसी दस दिओ कि अजे तक कि बीमारी लागे चागे नहीं लगी तो रोजाना तुसी किन्नी मेहनत करदे हो किन्ना किन्नी दौड़ लाउंदे हो? रोजाना सर जी यही शेड्यूल दे विच आउंदा हुंदा कि जदों आपां अगर एक्सरसाइज का पूरा सैट कंप्लीट लाउणा चाहुंदे आ उह 1.5 घंटे का। अच्छा 1.5 घंटे का वह सैट आ एवरी पार्ट्स ऑफ बॉडी और इदू पहला आपां नूं नॉर्मल वार्म अप होना पैंदा एक्सरसाइज ठंडिया नहीं लगती ना लाउणी चाहीदी आ कोई नस टैट होगी प्रॉब्लम बन जाऊगी कहना जा चंगे बिस्तर च पै गए है बेहतर है पहला रन वार्म अप आ उदू बाद एक्सरसाइज आ एक्सरसाइज तो बाद आपां जिहड़ा ईवेंट लाउणे आ प्रोपर जिदा आपां स्प्रिंटर आ मेरे ईवेंट 100-200 मीटर आ लौंग जंप आ ये उस तो बाद होंगे आ फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर अपना जी एक्टिविटी मिलती है बॉडी एक्टिव बनती आ ये जरूरी आ रूटीन के होना चाहिए फिर अपना जो लैवल आ मेनटेन होंगे असी सर जी सारा साल ही दौड़ते हैं पेंडू खेड मेले हो गए एक्सरसाइज तो डेली हैगी हैगी ये वध घट सकती आ मैं ये नहीं कहता कि हाँ ठंड के भी उ पर असी ठंड के भी लाने समा अगे पिछे हो सकता समा अगे पिछे हो सकता हुण धुंद पैंदी आ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੁਛ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 5:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਸਤਰਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਧੁੰਦ ਪਈ ਆ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਜਾਈ 'ਚ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਬ ਮਿਲ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਰੱਖੀਏ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਨਿਆਣਾ ਚਾਹੇ ਸਿਆਣਾ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਆ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡੂ ਮੇਲੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਮੁੱਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਅਮੁੱਲੀ ਸੋਚ ਆ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਆ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਡੀਏ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੀ ਅਥਲੈਟਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਉੱਥੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਗਰਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਕੱਢੀ ਐਥਲੈਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਲਾਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਦੇ ਉੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਰੋਕਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਆ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹਟ ਹੀ ਗਏ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 100 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈਟਰਨਸ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਟਰਨਸ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆ ਇਹ ਵੈਟਰਨਸ ਆਉਂਦਾ ਵੈਟਰਨਸ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਯੰਗੈਸਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਟਰਨਸ ਹੈ ਵੈਟਰਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਸਟਰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਟੈਂਪਡ ਹੈ ਮੈਡਲ ਉਹ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 30 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਇਹ 5-5 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ 5-5 ਸਾਲ ਗਰੁੱਪ ਰਾਈਟ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 60, 65, 70 ਇੱਦਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਕਨੀਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆ
उन्हें बीड किया जिन्होंने बीड किया उन्होंने की वादा ओनू वो देखना पेगा वो पॉइंट पे किस पॉइंट से सानू नहीं कदों कितने जाके बीट किया कितने क्रॉस किया फिर उस पॉइंट को आपां नूं मेनटेन करना पैंदा। सो यही बेनती आ कि हर एक इंसान इस गल नूं ध्यान रखे एक्सरसाइज और ग्राउंड दे नाल जुड़िए तो आप सारे जाने एक्टिव आ। कोई डॉक्टर की हाजरी नहीं लगती सब तो वड्डी गल इह आ जद कि हुण अज दी डेट दे विच जिहड़ी वड्डी बीमारी आ फास्ट फूड मूंगफली दी कच्ची गिरी काले छोले ये खाने चाहिए आ दुध दे नाल कच्चा पनीर ये खाना चाहिए दुध दे नाल पनीर भारा हुंदा बच्चों नूं बच्चों के हिसाब नाल दिओ वह पाँच दस भी पचास ग्राम जिन्ना खा सकते हैं दुध दे नाल जिहड़े कच्चे छोले आ रात नूं भिओ काले छोले रात नूं भे के दो दिन बाद पै भी रहण दवे ड्राई कर देवांगे पुंगरदे आ वह होर पावरफुल हो जाते यह चीज़ां खाणियां चाहीदियां असीं तां इही इस्तेमाल करदे आ नॉर्मल खुराक आ कोई बीमारी नहीं महाराज किसी नूं भी ना देवे पर असीं कहिंदे बच्चों नूं अज दी डेट दे विच फास्ट फूड तो बचा लो सानू ब्रैड खिलाई जांदे आ आपां खाई जांदे आ जमाने का इंट्रस्ट है वह ब्रैड ही कोई काली कोई पीली कोई बिच कच्ची सब्जी कोई पक्की हैगी ब्रैड आ ब्रैड के पैसे भी लगते हैं फास्ट फूड पैसा लगता बनता कुछ नहीं आप भुखे तो भुखे ही है ना कोई पावरफुल चीज़ खाओ वधिया खुराक खाओ जो बच्चे सानू न्याणियों सियाणियों वह कोई असर रहे दो चार घंटे असर रहे तो जब फास्ट फूड खा के दे लो जो दो घंटे कट जाओ मेरा तो नहीं मैंने तो आइडिया नहीं लगता लगता तो हड्डियां गल्लां सुन के कईयां ते असर जरूर होएगा फिटनेस तुहाडी देख के। अच्छा फिर जो ग्राउंड दे विच तुसी आ जांदे हो तो इत्थे बहुते नौजवान ही इत्थे खेडण आउंदे कदे इन्हां नाल पै जांदा मैच मूच नहीं जी इत्थे जिहड़ी मेरी एक्सरसाइज हुंदी परसनल हुंदी आ इन्हां दे नाल कोई मतलब नहीं किसे वेले हुंदा शौक हुंदा कि फुटबाल भी खेडिए उहदे विच आपां नूं जिहड़े ना इह चीज़ां इह स्ट्रोंग बणदियां गिट्टे पट मसल चीज़ा सारिया स्ट्रोंोंग बन दया जी फुटबॉल का प्रैशर आ फुटबॉल का लोड आ वह चीज़ा बना इस करके किसी वेल दिल करता यह चीज़ा मार दे चीज़ा स्ट्रोंोंग बन दया इन्ह चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी आ। तो बस यही आप बेनती करा कि बच्चों इस चीज़ तो बचा लो कोल्ड ड्रिंक बिना पीण दौ पिलाओ मौसमी का जूस छाणिया ना हो बर्फ ना हो जे छाण लिया जिदा दुझ जो मलाई क्ड लीए वो चीज़ बन जाती है जेड़े चो तारा जी होने तत्त जो तत्त वो चाह मौसमी के जूने तो पानी आ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी फिर देखो बच्चों की ग्रोथ की बनती है पिट्ठ है तो सब कुछ आ पिट्ठ तो सब कुछ चलता पावर सारी इत्थे आ ये अपनी एक्टिव आ आप बिल्कुल फिट हाँ इन चीज़ों का सर जी ध्यान रखना बहुत जरूरी आ। अच्छा बिंदे जी लंबा समा हो गया तो खेडते हुए तो यदा कोई इनकम सोर्स भी है तो मिलते इनाम राशि दे विच मिलता कुछ कि नहीं नहीं सर जी तो मैं तो अज तक कहते रहा पर सुनया किसी ने नहीं नाराजगी आ नाराजगी भी जैन्यून आ कोई भी अफसर आप खुले तौर पर कहने जी मेरे ना बीती आ मैं वह सुनाऊंगा कोई भी अफसर आ जाए कित भी आ जाए मैनू बुला लवे मैं जाऊँगा जी मेरे ना बीती आ जी सही चीज़ आ वह सही आ मैं उही दसूंगा पे अगर साढ़े वर्गे बजुर्गों ने संभालण गौरमेंट या चेयरपर्सन संभालण जरूरी आ कि वह चीज़ा अगे बदन गियाँ तंदुरुस्ती बधूगी और बच्चे जेडे बजुर्गों का अगला टारगेट आ उत्ते जल्दी पहुँचणगे जे कल पहुँचना अज ही पहुँचणगे मेरे तो अजमा के देख लैन मेरी सपोर्ट करन टाइम ना असी जे मैडल ना लिया तो सानू कह देण बई तू तो आ गल्लां करदा ही लिया कीता कुछ भी नहीं ये साडा वादा कि असी उह चीज़ करांगे तो करांगे नहीं तो आप गेम ही छड्ड देवांगे सन्यास ही लै लेंगे अर्जेंटली ये अपना वादा आ कि साडी सपोर्ट करदी आ गौरमेंट या चेयरपर्सन सपोर्ट करदे आ एरिए दे सपोर्ट करदे आ जरूरी आ कि मैडल लियावांगे लियावांगे कॉन्फिडेंस आ जो चीज़ वध जाणी आ खुराक वध जाणी आ मेहनत वध जाणी आ तो मैडल भी आना हुण भी असी उस लैवल दे नेड़े ही घूमदे आ एशिया लैवल दे नेड़े ही घूमदे आ कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी पर चीज़ ने सानू होर स्ट्रोंोंग बना जो चीज़ा नाल जुड़ जानिया यह चीज़ा तो असं बेनती करा कि साढ़े जड़े नुमाइंदे आ
ਗੱਲਾਂ ਘਟ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਘਟ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜੁੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ